हरे कृष्ण। हाँ हरी बोल। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर पहुंचे हैं, अब लोग ने श्रवण किया, ये स्थान का नाम है बहुला। बहुला का बहुत सारे नाम मतलब है। बहुला मतलब होता है, अब लोग पता है, अभी अगर बहुला अष्टमी आती है, ये बहुला अष्टमी, ये बहुला अष्टमी का दिन ये राधा कुंड का प्रकट हुआ है, बहुला अष्टमी का दिन। इसलिए बहुला अष्टमी को राधा कुंड प्रकट हुआ, इसलिए देखना हजार हजार लोग उसी दिन राधा कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। इसलिए ये स्थली अंतर्गत श्री राधा कुंड इसकी अंतर्गत है। और राधा कुंड का महिमा आप लोगों को पता है, राधा कुंड कोई साधारण कुंड नहीं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, वैकुंठ जनित परा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सव। इसलिए वैकुंठ से भी कहते श्री वृंदावन श्रेष्ठ, जहाँ पर भगवान दिव्य रास किया है, उससे श्रेष्ठ कौन है? बोले श्री गिरिराज गोवर्धन। क्योंकि श्री गिरिराज गोवर्धन नहीं, ये स्वयं कृष्ण है। बोले राधा कुंड श्याम कुंड क्या है? बोले उनका दो आंख है, दो आंखें हैं। जैसे एक शरीर है, लेकिन शरीर तो बड़ा सुंदर है, लेकिन अगर उसमें आंख नहीं तो फिर क्या, सब के सब बेकार है। इसलिए ये जो स्थान है, ये राधा कुंड का अंतर्गत, राधा कुंड श्याम कुंड नहीं, बोले जथा राधा प्रियम कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेश सेवै का विश्व रतंत वल्लवा। इसलिए ये कुंड नहीं, राधा कृष्ण दोनों ही ये राधा कृष्ण कुंड रूप में प्रकट हुई। इसलिए ये स्थली ये बहुला वन का अंतर्गत श्री राधा कुंड और श्याम कुंड। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, यद्यपि दूसरे दूसरे स्थान में भगवत प्रेम प्रकाशित हुआ है, कहते श्री गुरुदेव के नंदगांव में भी राधा रानी का महाभाव प्रकाशित हुआ, जहाँ पर श्री प्रेम सरोवर में वहां पर भी उनको दिव्य उन्माद आदि राधा जी की दिव्य दिव्य भावना प्रकट हुई। लेकिन श्री रूप गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, पृथ्वी का जितने सारे स्थान है, अगर सारे स्थान को महिमा अगर एकत्रित कर दिया जाए, कहते राधा कुंड की एक कण को साथ में भी दूसरे स्थान की आप बराबर नहीं कर सकते हो। इसलिए ये स्थान की इतने महत्व है। आप लोगों ने श्रवण किया, बहुला मतलब क्या है? कहते बहु लाती इति बहुला, मतलब मूल बहु कौन है? मतलब जो देवी कृष्णमय प्रोक्ता राधिका परा देवता सर्व काशी सर्व सन्मोहिनी परा, जो मूल बहु है ये श्रीमती राधा रानी। जहाँ पर बहु को लाकर, मतलब श्रीमती राधा रानी को लाकर के जहाँ पर श्री श्याम सुंदर को मिलन करवाया करते थे, इसलिए स्थान का नाम बहुला। इसलिए अब लोगों ने ये कुंड का नाम श्रवण किया, उसमें दो कुंड है, एक तो संकर्षण कुंड है और एक श्री मान कुंड है। यहीं पर कि कभी श्री राधा रानी ने कभी यहीं पर उन्होंने मान किया है, और मान करते हुए कभी किसी कुंज में राधा रानी जाकर कभी छुप गई। अभी छुप गई तो अभी श्याम सुंदर अभी राधा रानी को ढूंढ रहे, किशोर जीव कहाँ, किशोर जीव कहाँ है? अभी राधा रानी को ढूंढते श्याम सुंदर को प्राप्त नहीं हो रहा है, श्री किशोर जी कहाँ पर छुपी है? लेकिन राधा रानी की एक नाम बताया ना, गंध उन्मादिता माधवा राधा रानी। इसलिए उनको शरीर से दिव्य गंध निकलती है, अद्भुत गंध है, हैं? इसलिए कृष्ण बोलते हैं ना, विश्व ब्रह्मांड को मैं मोहित करने वाला हूँ, मैं मदन मोहन हूँ, लेकिन मेरे को जो मोहित करती है कौन है? बोले राधा रानी। मेरे सुगंध से विश्व ब्रह्मांड उन्मादित हो जाता है, लेकिन जब मैं श्री राधा रानी की शरीर की अंग की खुशबू को मेरे नासिका में प्रवेश कर मैं स्वयं उन्माद हो जाता हूँ। इसलिए जिसको श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बोले वेणु करान निपतित स्खलितम श्रीखंडम भ्रष्ट सपीत वसनम ब्रजराज सुनो। राधा रानी की दिव्य शरीर की सुगंध पाते ही श्याम सुंदर स्वयं मूर्छित हो जाते हैं, श्री श्याम सुंदर। इसलिए कृष्ण कहते मेरे शरीर को स्पर्श करके विश्व ब्रह्मांड उन्माद होते हैं, लेकिन जब श्री राधा रानी के शरीर को स्पर्श करता हूँ मैं स्वयं पागल हो जाता हूँ, मैं स्वयं पागल हो जाता हूँ। अभी श्याम सुंदर ने देखा राधा रानी जिस कुंज में छुपे हुए, अभी कुछ भौरा आकर के उसको मड़रा रहे, उसका भौरा आकर मड़रा रहे। बोले भाई यहाँ पर भौरा क्यों मड़रा रहे? और यहाँ का जो लता पता है ना, कोई लता पता साधारण नहीं। कहते ना, वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, और डाल डाल और पत्ते पत्ते में श्री राधे राधे होई।
इसलिए ये लता भी अद्भुत है, ये लता भी अद्भुत लता है, इसलिए लता भी इशारा करती है, ये भी सखी सखी रूप में, ये लता भी जन्म ग्रहण की है, सखियां लता रूप में जन्म ग्रहण की है, वो लता स्वयं इंगित करती है, बोले देखो यहाँ पर श्री किशोर जी यहीं पर छुपे हैं। इतने में कृष्ण ने देखा राधा जी की चरण की एक विशेष चिन्ह होता है, हाँ राधा रानी चरण के अलग अलग चिन्ह, कृष्ण चरण का राधा रानी। इतने में श्याम सुंदर जब नीचे देखा, इतने में देखा राधा रानी के चरण की छाप पड़ते हुए दे, अरे ये तो राधा जी के चरण चिन्ह है, वो पहचान गए श्री किशोर जी की चरण चिन्ह। फिर जाकर के श्याम सुंदर ने वो कुंज से फिर यहाँ से श्री श्याम सुंदर के निकालते, इसलिए दो कुंड श्री शंकर कुंड और मान कुंड है। आप लोगों ने श्रवण किया, यहीं पर ही वो बहुला गाभी भी यहीं पर जब आए, इतने में एक बाघ ने उसको आक्रमण किया, उसने कहा देखो मेरे बछड़े को केवल एक बार मैं दूध पिला करके आती हूँ, मैं बात देता हूँ आज, बोले तू नहीं आओगे, बोले देखो मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। जब गए अभी ब्राह्मण सुनते, बोले मैं भी प्राण त्याग देना चाहता हूँ, बछड़ा बोलता है मैं भी प्राण त्याग देना चाहते हूँ, बोले मैया तेरे बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ। वो तीनों को तीनों यहीं पर प्रकट होते हैं, जब प्रकट हुए, लेकिन ये स्थान तो साधारण स्थान है ही नहीं, यहाँ तो राधा रानी की प्रेम भूमि है, इसलिए स्थान तो साधारण नहीं। इतने में वो बाघ का जो हृदय है, यहाँ पर स्वयं कृष्ण यहाँ पर प्रकट होते हैं, प्रकट होते ही कृष्ण दर्शन और ब्रज भूमि उसका स्पर्श, अपने आप बाघ का हृदय अपने आप परिवर्तन हो गया, फिर उसने खाना उन्होंने छोड़ दिया है। इसलिए किसी पुराण में आता है कि लोग ना बताए पहले हु गंधर्व थे, ये हु गंधर्व कौन है, हु और ये हु ये गंधर्व है, कभी स्वर्ग के जोकर है, जो कि देवताओं को ये आनंद प्रदान करते हैं, कभी ये जोकिंग करते 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 कभी ज्यादा उल्टा पुल्टा जोकिंग कर दिया तो वो पिपला दी, ऋषि लोग वहां पर थे, उन लोगों ने अभिशाप दे दिया, बोले यहाँ पर ऋषि लोग बैठे हुए है तो जोकर मतलब लिमिटेड होता है ना जोकिंग का, और इतना ज्यादा जोकिंग कर, जाओ तुम लोग जाओ तुम बाघ जन्म रूप में ग्रहण करो, बाघ रूप में जन्म लो, बोले मेरा उधार कैसे होगा, बोले भगवान आकर के तेरे को उधार करेंगे, नहीं तो बाघ का हृदय अपने आप कैसे परिवर्तन हो जाए, और ब्रज में कोई बाघ जन्म ग्रहण करे ये कोई साधारण बात थोड़ी है, जो ब्रज में कोई बाघ जन्म ग्रहण करे। यहीं पर ही श्रीमन महाप्रभु जो यहीं पर जैसे हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, महाप्रभु भी सारी ब्रज में महाप्रभु भी ये ब्रजमंडल महाप्रभु परिक्रमा की, यहीं पर महाप्रभु आते ही, क्योंकि ये स्थान कौन सा स्थान, ये बहुलावन राधा कुंड श्याम कुंड का अंतर्गत स्थान, इसलिए यहीं पर आते ही श्रीमन महाप्रभु राधा जी की भाव में विभावित तो होकर के यहीं पर ही महाप्रभु कभी मूर्छित हो जाते हैं, कभी गैया कभी हिरण कभी मयूर आकर के उनको शरीर को चाटने लग जाते हैं। यहीं पर ही महाप्रभु सुख सारे जो संवाद देखा, यहीं पर ही महाप्रभु देखा दो लता में, एक में मैना और एक में तोता बैठे हुए, और दोनों के अंदर में द्वंद्व लड़ाई हो रहा है। मैना कहता है मेरे श्याम सुंदर गिरिराज उठाया था, तो तोता कहता है मेरे श्याम सुंदर गिरिराज उठाया था। मैना कहते चुप रह, कृष्ण गिरिराज उठाया था, बोले बताओ तो कृष्ण कौन हाथ में उठाया, बोले बाम हाथ से, बोले कौन अंगुल में, बोले बाम अंगुल में उठाया कैसे, बोले शक्ति से, बताओ कृष्ण का शक्ति कौन है, राधा रानी, कृष्ण का शक्ति कौन है, राधा रानी, राधा रानी, तो गिरिराज उठाया किसने, राधा रानी, राधा रानी ने। इसलिए ब्रजवासी कहते हैं कुछ माखन का बल बढ़ो, कुछ गोपन करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गोवर्धन लियो गिरिराज उठाए, इसलिए उठाया श्री राधा रानी ने। इतने में फिर तोता कहता है मेरे श्याम सुंदर तो चांद है, श्री मैना कहते चांद है, लेकिन वो चांद को पकड़ने वाले फांद कौन है, बोले श्री राधा रानी, ये फांद श्री राधा रानी, इसलिए ये मत वाला हाथी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते है, केवल राधा रानी ही वो मत वाला कृष्ण को वही कंट्रोल कर सकते है। इतने में तोता कहता है मेरे श्याम सुंदर ये कदम वृक्ष को नीचे खड़े होते हैं, मैना कहते वृक्ष तो ब्रज में बहुत है, ये कदम वृक्ष को नीचे क्यों खड़े होते हैं, तेरे को पता है, बोले क्यों, बोले जो कदम वृक्ष है ना वो राधा जी का स्वरूप है, देखना राधा जी का अंगकांति जैसे कदम का अंगकांति ठीक वैसे है, और ये कदम वृक्ष को नीचे कहते श्री श्याम सुंदर कदम वृक्ष को नीचे आते हैं, इसलिए हाँ राधा रानी आती है, इसलिए उनको पता यही पर श्री राधा रानी आएगी, इसलिए श्री श्याम सुंदर उसको नीचे खड़े होकर के श्री वंशी ध्वनि करते हैं। इसलिए श्री मैना तोता कहता है मेरे जो श्याम सुंदर मदन मोहन है, लेकिन मैना कहती है हमारी राधा रानी मदन मोहिनी है, जब वो अकेले होना
वो मदन मोहन नहीं, वो स्वयं मदन को तरह मोहित हो जाएंगे। लेकिन जब हमारे किशोर जी उनकी बाम तरफ में खड़ी हो तभी वो मदन को मोहित कर सकते, नहीं तो वो केवल मदन ही मदन है। इसलिए यही पर ये सुख सारी संवाद यही पर हुआ था। इसलिए दोनों ने कहा भैया झगड़ा करके कोई लाभ नहीं, क्योंकि दोनों को ही अलग नहीं। कहते जापी राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण एवस एक ज्योति दिधा भिन्न राधा माधव स्वरूपम। राधा कृष्ण कोई अलग नहीं, ये दोनों एक ही है, केवल लीला विलास करने के लिए ही ये दो प्रकट हुए। इसलिए श्री स्वरूप दामोदर कहते हैं राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रसमात देकात्मना भुवि पुरा देह भेदो गतौ तौ चैतन्याख प्रकट मधुना तद्वयम् चैकमाप्तम् राधा भाव दुति सुवलितम् नवमी कृष्ण स्वरूपम। राधा रानी है कौन? बोले राधा रानी और कुछ नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते राधा जी का दो स्वरूप है, एक मूर्त और एक अमूर्त। कहते मूर्ति रूप में जब देखते हो मूर्ति, लेकिन जो अमूर्त रूप में देखते हो कहते श्रद्धा से। ये भक्ति कहाँ से शुरू होता है? श्रद्धा से। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, फिर प्रेम, फिर वही बैठते बैठते स्नेह मान प्रणय राग अनुराग और महाभाव रूप में प्रकट होता है। ये महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी, ये कोई अलग नहीं, केवल लीला विलास करने के लिए एक होते हुए भी दो और दो होते हुए भी एक है। इसलिए लड़ाई पढ़ाई मत क्या करो, चलो और दोनों मिलकर के श्री राधा गोविंद की हम दोनों मिलकर कीर्तन करते हैं। यहीं पर दोनों मिलकर कीर्तन किया। ये स्थान दिव्य स्थान है, राधा कुंड के अंतर्गत है। हम लोग यहाँ प्रणाम करते हैं, यहाँ का चरण धूलि लगाते हैं, और जैसे राधा प्रेम की एक बूंद एक छीटा अगर हमारे हृदय को स्पर्श करेगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बच्चागल दुर्भ कृपा सिंधु भाई बच्चा पतिता नाम पावन हो गए। हां हां हां।